बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरी रेसिपी है कचौरियाँ। कचौरी के लिए मुझे तीन स्टेप करने हैं। पहले मुझे आटा लेना है कचौरी की डो बनाने के लिए, तो मैं आपको भी बताती हूँ मैं किस तरह से इसको भूनूंगी। और सेकंड, मैं इसके तरकारी के लिए मैंने आलू लिए हैं हाफ के जी, इसको मैंने रफली काट लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करके इसको गलने तक बनाऊंगी। इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें डालेंगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगी, सिर्फ इसमें साबुत मिर्चें, सात आठ इसमें साबुत मिर्चें और कलौंजी, एक टीस्पून इसमें कलौंजी का ऐड करूंगी, ठीक है। और ये इमली का पल्प है जो कि मैं बाद में ऐड करूंगी जब ये तरकारी रेडी हो जाएगी, वरना आलू गलेंगे नहीं। अब मैं सिंपल इसको तैयार कर रही हूँ। आपके सामने मैंने दो चीज़ें इसमें ऐड की हैं। ये मैंने मैदा लिया है हाफ के जी, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 2-3 टेबल स्पून ऑयल, बस बहुत है। इसको सिंपल हमने आटे की तरह गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं, बस सख्त नहीं होना चाहिए, नरम सी डोर तैयार होगी इसकी, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। ये आलू हमारे गल चुके हैं तरकारी के लिए, अब इसको हमने मैश करना है। आलू मैश्ड हो गए हैं, अब इसको हम वापस फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें पानी थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करूँगी। अब इस स्टेज पर इसमें हम फूड कलर डालेंगे, वन फोर्थ टीस्पून हमने फूड कलर ऐड किया है येलो। अब इमली का पल्प डाल रही हूँ, बस तरकारी हमारी रेडी है। इसको हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें कलर ऐड हो जाए। अब कचौरी की फिलिंग के लिए मैंने चने की दाल बॉईल करनी है। जस्ट इसमें बस थोड़ी सी हाफ टी स्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट। इसको हमने गलने तक पकाना है, फिर इसको पीसना है, इसका एक पेस्ट मिक्सचर तैयार करना है कचौरी की फिलिंग के लिए। दाल बॉईल हो गई थी तो मैंने पीस ली है। आटा भी हमारा रेडी है। आटा गूंदने के बाद कम से कम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है ताकि ये अच्छी तरह से कचौरी हमारी फूल सके। ये हम पेड़ा बना रहे हैं कचौरी के लिए। इस तरीके से आपको करना है और इसको ऐसे करके थोड़ा सा खींच के डबल, यहाँ हमने फिलिंग रखनी है दाल जो हमने पीसी थी।
देखें ऐसे इसको बंद किया और इसकी एक हमने नॉट सी बना दी और इसको हमने ऐसे कर दिया। ये हमारा पेड़ा रेडी है। ऑयल थोड़ा सा लगा लें ताकि चिपके नहीं। इसी तरह से हम सारे पेड़े इक्वल साइज़ में लेके बना लेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और ये पेड़े हमारे रेडी हैं बेलने के लिए। पेड़े बनाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठहर जाएं। हम हल्का सा यहाँ ऑयल लगाएंगे बेलने की जगह पर। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेड़ा रह के इसको बेलना है। कचौरी हमने बेल ली है। अगर आपका आटा आपसे हाथ में नहीं सेट हो पा रहा है तो आप ऐसे इसको दबा के फिंगर से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कचौरी फ्राई हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से फूल के आई है ऊपर। अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है, इसको हम पलटेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूल रही है। ये देखिए रेडी है हमारी कचौरी। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बेल लेंगे और इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच है तो उसको थोड़ा सा स्लो कर दो ताकि ये जले ना तेल। इसी तरह से हमने सारी कचौरियाँ जो है ना फ्राई कर लेनी है। देखिए कैसे हमारी कचौरियाँ खूब अच्छी तरीके से फूल रही हैं। ये सारी कचौरियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं और ये बस लास्ट है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने सारी तकरीबन फ्राई कर ली हैं। ये देखें सारी कचौरियाँ तैयार हैं और मेरे जो बच्चे हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कचौरियों का। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी अच्छी बनी है, फूली फूली। रिफ्रेशमेंट मैंने तैयार कर लिया है टी टाइम के लिए। और आपको अगर पसंद आए मेरी कचौरियाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू सो मच आपका। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कैसी बनी और आप बनाइएगा घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बनाना आ जाएंगी।